ग्वालियर में एक कथित सिपाही ने पुलिस अधिकारी के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की कोशिश की है। पुराने मारपीट के मामले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक दो पहिया गाड़ी को पकड़ा था, जिसको लेकर कथित सिपाही और उसके साथियों ने जमकर गाली गलौज की और पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी भी की थी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में CSP ने जाँच के आदेश देते हुए पुलिस अधिकारी के साथ अभद्रता और गाली गलौज करने वाले कटक सिपाही और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम ग्वालियर थाना क्षेत्र के सेवा नगर इलाके का है। बीती 26 मार्च को ग्वालियर थाना पुलिस ने एक मारपीट का मामला दर्ज किया था। इस मारपीट के मामले में जिस बाइक का उपयोग किया गया था उसकी पुलिस तलाश कर रही थी। इसी दौरान सेवा नगर इलाके में चेकिंग के दौरान ASI जवाहर सिंह ने उसे दो पहिया गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी पकड़ने पर बाइक सवार युवक ने एक अज्ञात शख्स को कॉल कर मौके पर बुलाया। वहां पहुंचे उस युवक ने खुद को बालाघाट में पदस्थ सिपाही बताते हुए ड्यूटी पर तैनात ASI जवाहर सिंह के साथ पहले धक्का मुक्की की, फिर गाली गलौज करते हुए गाड़ी छोड़ने का दबाव बनाया। इस दौरान किसी शख्स ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस अधिकारी के साथ हुई अभद्रता को लेकर ग्वालियर थाना क्षेत्र के CSP संदीप मालवीय का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। ये अभी घटना आज रात्रि के लगभग 9 बजे की है और इसमें एक 26 मार्च को एक FIR हुई थी। एक व्यक्ति का जो कि अटैर भिंड का रहने वाला है, उसकी तस्दीक किया था, जो मोटरसाइकिल का स्वामित्व जिसके पास था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज जब हमारे ग्वालियर थाने के पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे सेवानगर में, तो ड्यूटी के दौरान कुछ लोग आए वहाँ पर और वो जो FIR 26 मार्च को हुई है उसे तारतम्य में उनसे बदतमीजी की उन्होंने, और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें हम तस्दीक कर रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति उस टाइम उपस्थित था, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर उसमें जो भी लीगल एक्शन होगा जो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ उन्होंने किया है, उसको फिर हम सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करेंगे। उसमें जरूर ये बात सामने आई है, उसकी भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बालाघाट पुलिस लाइन से हम संपर्क करेंगे, अगर वो भी इन्वॉल्व है तो उसमें भी फिर कार्रवाई करेंगे। इसमें ये मारपीट की FIR हुई थी 26 मार्च को, और उसी मारपीट की FIR में जो दो अज्ञात व्यक्ति थे जो मोटरसाइकिल यूज़ किया था उन लोगों ने, तो जब हमने आइडेंटिफाई किया कि ये मोटरसाइकिल का स्वामी कौन है, तो उसमें ये अटेर भिंड का रहने वाला उसका पता चला था। उसी की तस्दीक कर रहे थे जो हमारे विवेचना अधिकारी थे, और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर ये घटना घटित हुई।